सुभम दर्शकों, हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं मित्रों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी जानते हैं शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। 9 मार्च दिन शनिवार को फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि है, जिस पर महाशिवरात्रि भी है। 8 और 9 मार्च की इस महाशिवरात्रि पर यदि आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो शनि देव की कृपा भी आप पर बरसेगी और आपके जीवन के जो भी अटके हुए रुके हुए कार्य हैं वह भी पूर्ण रूप से सफल होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही छोटा सा और अचूक सा उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी रुके हुए कार्य हैं वह पूर्ण रूप से सफल होंगे और आपकी कामना पूर्ण होगी। तो चलिए जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे आपको शनिवार के दिन 9 मार्च को करना है। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के लिए क्या करना होगा, आपको किसी भी काले कुत्ते को एक छोटी सी चीज़ खिला देनी है। क्या करना है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको जो चने की दाल होती है वह चने की दाल के कुछ दाने आपको ले लेने हैं, या फिर भीगे हुए चने भी आप ले सकती हैं। इन चनों को क्या करना है, आपको एक रोटी बनानी है, रोटी बिना नमक के आटे की रोटी बनानी है। उस पर एक टुकड़ा गुड़ का रखना है और यह चने रख देने हैं आपको, और इस रोटी को आपको किसी भी काले कुत्ते को खिला देने हैं। काले कुत्ते को भैरव जी का रूप माना जाता है। शनिवार का दिन है तो काल भैरव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। शनिदेव भी आपसे प्रसन्न होंगे काले रंग के लिए, और महादेव भी आपसे प्रसन्न होंगे, बिगड़े हुए सभी कार्य बनेंगे। धन्यवाद दर्शकों, श्री शिवाय नमस्ते।